हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, अंतःस्रावी तंत्र की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये चौथी क्लास है। आइए भैया, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो क्या बनाती है भैया, जो हार्मोन बनाती है, और ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भैया 9। और हम विज्ञान की जिस शाखा में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इनकी संख्या होती है 9, जिनमें से साथियों नंबर 1 पर भैया थायराइड ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके, जिसे हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके। गाइज, कल मैंने भैया थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था साथियों, जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले या गर्दन में होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। इन 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 300 से 400 ग्राम साथियों इसका भार होता है। और बात करें तो भैया, जब आप इसकी एनाटॉमी करके देखोगे तो ये 2 लोब में बटी हुई दिखाई देगी, और इसके किनारों पर भैया थायराइड फोलिकल सेल होती है, जो भैया 2 हार्मोन का निर्माण करती है। एक थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन या T3 या T4 हार्मोन आप कह सकते हो। ये 98% में भैया निर्माण होता है इसका, और 2% में होता है भैया कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण। तो कहने का मतलब, इस थायराइड ग्रंथि के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य क्या है, जो थायराइड हार्मोन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है या T3 या T4 हार्मोन है, इसका कार्य क्या है। गाइज, थायराइड हार्मोन की कमी से थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, और थायराइड हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में भी हमने भैया बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी। तो इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नंबर 2 पर पैरा थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैरा थायराइड ग्लैंड के बारे में। गाइस, सेम हिंदी में इसका नाम है पैरा थायराइड ग्रंथि। बेटा, मैं आपको बता दूं, ये भी आपके गले में गर्दन में होती है। आप गले कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि भैया गर्दन में होती है। जो थायराइड ग्लैंड है भैया, इसका आकार कैसा था? कुछ इस तरीके से था। अंग्रेजी वर्णमाला के H अक्षर के समान था, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो बेटा ये भैया थायराइड ग्रंथि के पैरों में होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे पैरों में लगी हुई होती है ये। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है भैया 4। और ये जो थायराइड ग्लैंड है बेटा, ये थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्रंथि के पैरों में होती है, थायराइड ग्रंथि के पैरों में होती है। बोलो भैया, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने ये कहा नंबर 2 पर हम पढ़ रहे हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। हिंदी में भी गाइड सेम नाम है, पैरा थायराइड ग्लैंड। ये हमारे गले में होती है, आप कह सकते हो कि भैया गर्दन में होती है। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा, उसके पैरों में लगी हुई होती है। इनकी संख्या 4 होती है, और ये भैया थायराइड ग्रंथि के पैरों में लगी हुई होती है या फिर पैरों में होती है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं बेटा कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है,
हार्मोन का नाम है भैया पेरा थायराइड हार्मोन। लेकिन भैया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस हार्मोन से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं भैया वो इससे पूछे जाते हैं, कोलिप्स हार्मोन से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलिप्स हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है, सिक्रीट कौन सी ग्रंथि करती है, तो पैराथायराइड ग्लैंड करती है। अब भैया बात आती है कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है इसका कार्य क्या है। कोई मुझे बताएगा कि पैराथायराइड हार्मोन का कार्य क्या है? इसको मैं मिटा देता हूँ इधर। और अब बात करते हैं बेटा हम कि भैया पैराथायराइड हार्मोन का कार्य क्या है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि थायराइड ग्रंथि ने 2% की मात्रा में, थायराइड ग्रंथि से 2% की मात्रा में कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण हुआ था, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इसने भैया थायराइड फोलिकल सेल थी इसमें, उसने 98% की मात्रा में थायराइड हार्मोन का निर्माण हुआ था उससे, याद आ रहा है कुछ? और 2% में किसका निर्माण हुआ था? इस कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण हुआ था। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ बेटे। जो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था, एक तरफ तो था भैया क्या, ब्लड, जिसमें कैल्शियम की मात्रा क्या थी, अधिक थी, और दूसरी तरफ थी आपकी हड्डी, बोन, और इसमें भैया कैल्शियम की मात्रा क्या थी, कम थी। तो इस हार्मोन ने क्या किया था बेटा, कैल्सिटोनिन हार्मोन ने ब्लड में उपस्थित जो कैल्शियम है उसे उठाकर हड्डियों के पास छोड़ के आया था। इतनी कहानी समझ में आई आपको? ओके, हम बात कर रहे थे पैराथायराइड हार्मोन की। पैराथायराइड ग्रंथि ने किसका निर्माण किया, पैराथायराइड हार्मोन का निर्माण किया। अब ये हार्मोन क्या करता है, तो एक तरफ वो ले लीजिए भैया वापस ब्लड, ये क्या है, ये है भैया ब्लड, इसके पास क्या है, इसके पास कैल्शियम की कमी है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है बोन यानी कि आपकी हड्डियाँ, इसके पास कैल्शियम की क्या है, अधिकता है। तो अब क्या करता है भैया ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो हड्डियों के पास से उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है उसे उठाकर खा लेके आता है, आपके ब्लड के पास लेके आता है। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। कैल्सिटोनिन हार्मोन ने क्या किया बेटा, ब्लड के पास अधिक मात्रा में जो कैल्शियम था वो हड्डियों को दिया, और इस पैराथायराइड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन ने क्या किया भैया, ब्लड के पास जो कम हार्मोन है, तो कहने का मतलब इसे ज़रूरत है हार्मोन की, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लड के पास जो कैल्शियम है वो कम है तो इसे ज़रूरत है कैल्शियम की, तो हड्डियों के पास यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा अधिक है, तो हड्डियों के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे उठा करके लेके आता है कहाँ, आपके ब्लड में। अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे कार्य कर रहे हैं। एक ने क्या किया, ब्लड में अधिक मात्रा में जो कैल्शियम था उसे हड्डियों को दे के आया, और दूसरी तरफ देखोगे आप तो पैराथायराइड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन ने क्या किया, हड्डियों के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम था उसको उठाया, ब्लड को दे दिया। एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, एक तरफ तो वो दे रहा है और एक तरफ ले रहा है। तो ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है भैया काउंटर एक्ट हार्मोन। और यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन काउंटर एक्ट हार्मोन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा काउंटर एक्ट हार्मोन का है। ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, समझ लेना, विरोधाभास हार्मोन, काउंटर एक्ट हार्मोन। ऐसे हार्मोन होते हैं बेटा जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ऐसे हार्मोनों को कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन। एक हार्मोन तो ये हो गया भैया, एक हार्मोन का जोड़ा कोलिप्स हार्मोन, और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन।
तो बेटा यही है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। देखो अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी आपको, कौन सी बीमारी होगी बेटा? ब्लड में उपस्थित जो कैल्शियम होता है वो किसमें सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर आपके ब्लड के पास कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा, जब भी आपको चोट लगेगी ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो यह ब्लड बहना नहीं रुकेगा, ब्लड बहता नहीं रुकेगा, आपके शरीर से सारा का सारा ही ब्लड बाहर चला जाएगा। आई बात आपको समझ में? तो उससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अगर शरीर में ही भैया ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा, और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो जरूरी है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, एक बार और रिविजन करवाता हूँ। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये हमारे गले या गर्दन में होती है, ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसकी संख्या 4 होती है, थायराइड ग्रंथि के पैरों में होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था डायग्राम की सहायता से। ये एक हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायराइड हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। ये कोलिप्स हार्मोन क्या करता है, हड्डियों के पास अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है उसे उठाता है और ब्लड के को दे देता है, क्योंकि ब्लड के पास कैल्शियम की कमी है। ठीक इसके विपरीत कौन कार्य करता है, थायराइड ग्लैंड से बेटा 2% की मात्रा में थायराइड फॉलिकल सेल क्या बनाती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाती है। और यह हार्मोन क्या करता है, ब्लड के पास जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है उसे उठाकर हड्डियों को दे देता है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतनी सी कहानी आपको जाननी है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम। एक बात और बताने वाला हूँ मैं आपको गाइस, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं और बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू की सीरीज करवा रखी है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप ज़रूर विजिट करें। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ।